हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा राज ब्लॉग। और आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि मैं दोनों चैनल को मैनेज कैसे करती हूँ, और अभी जो एजुकेशनल चैनल है हमारा उस पर CDPO और BPSC के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी की जा रही है, और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए। तो बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ होंगी जो कि घर गृहस्थी में फंस गई हैं, मतलब उलझ गई हैं, और वो टाइम नहीं निकाल पा रही है अपने आप के लिए, पढ़ने के लिए, और कुछ करना चाहती हैं। तो आपके लिए वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके अंदर ज़रूर थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी कि आप भी कुछ कर सकते हैं और आपको भी कुछ करना चाहिए, क्यों आप बैठे हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तो आप पूरी वीडियो एंजॉय कीजिए। और अनिका अभी 1 साल 2 महीने की हुई है, और उसे संभालते हुए मुझे चैनल, एजुकेशनल चैनल और ये ब्लॉग चैनल है, तो ये सारी चीज़ें संभालनी होती है, घर गृहस्थी भी संभालनी होती है। हमारे घर में, हमारे फैमिली में टोटल 5 मेंबर हैं, तो उन सभी में मैं ही यहाँ रहती हूँ और मेरे हस्बैंड, तो सारी चीज़ें हमें ही मैनेज करनी होती है, हम दोनों को ही। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं, वो कोई भी हर चीज़ में वो हेल्प करते हैं मेरी, तो भी मैं कर भी पाती हूँ सारी चीज़ें, अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अनिका मैंने बताया कि अभी 1 साल 2 महीने की हुई है, तो जब भी मैं, ऐसा होता ना कि कोई वर्क करने बैठती हूँ, अभी जैसे दोपहर का टाइम था तो मैंने खाना वगैरह बना लिया, और कुछ चीज़ें जो बाकी थी तो किचन में चढ़ा के मैं यहाँ आई थी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, ताकि फिर क्वेश्चन तैयार करना होता है, फिर उसे टाइपिंग करना होता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, फिर सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो बहुत सारे, एक वीडियो को बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है उसमें, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में बस तुरंत बन गया, नहीं, कभी कभी तो हो जाता है कि एक दिन भी कम पड़ जाता है, क्योंकि टाइमिंग की बहुत कमी होती है, मतलब कंटिन्यूसली मेरे पास टाइम नहीं होता है बनाने के लिए, तो इस वजह से। और जैसे मैं बनाने बैठती हूँ तो देखिए अनिका तंग भी करती है, उसे भी देखना पड़ता है। तो अनिका को मैंने ना जैसे कि बुक्स वगैरह ला के दिए हैं, हालांकि मुझे पता है कि अनिका की अभी इतनी एज नहीं हुई है कि वो बुक समझ सके, चाहे वो बुक पढ़ने लायक नहीं हुई है, लेकिन मैं उसे एक खिलौने के तौर पे बुक वगैरह ला कर देती हूँ, चाहे वो उसे फाड़ भी दे। खिलौने भी मैंने ट्राई किए, उसे ला कर मैं देती हूँ, लेकिन खिलौने को एक दिन से ज़्यादा वो नहीं खेलती। और ये बुक देखिए सारे के सारे पेजेस फट गए हैं और पेजेस पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन वो अभी तक इसे खेलती है। तो जब भी मैं ऐसे बनाने के लिए बैठती हूँ क्वेश्चन वगैरह, तो उसे ये फटी हुई जो बुक है मैं वो लेकर बैठती हूँ, ताकि जब भी ये तंग करती है मुझे ना, तो मैं उसे भी बीच बीच में 4-5 मिनट के लिए टीच कर लेती हूँ। तो बेनिफिट है उसका, ऐसा नहीं कि वो बेनिफिट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अनिका पहचानती भी है, कि जैसे पैरोट वगैरह हो गया, काव गाय वगैरह हो गई, मतलब फिगर में जो भी हैं, एप्पल पहचानती है, ग्रेप्स पहचानती है, तो ये सारी चीज़ें पहचानती है। और मोबाइल्स में ज़्यादा उसे लगाव नहीं करती, वो मोबाइल की जब लाइट जली हुई रहती है ना तो वो उसके और अट्रैक्ट होती है, तो मोबाइल को मैं लाइट ऑफ रखती हूँ। और कभी कभी वो मोबाइल ला कर ना अपने आप, मतलब कि वो अपनी फ़ोटोज़ देखने के लिए मांगती है कि मम्मा मोबाइल लो, और मतलब इशारों में ही बताती है कि उसे फ़ोटोज़ देखनी है। तो मैं उसे, अभी इतनी एज नहीं हुई है, चाहे इतनी समझदारी नहीं हुई है उसे कि वो समझ जाए कि मम्मा ने छिपा लिया मोबाइल, चाहिए वो, तो मैं उसे बहला कर फिर से बुक दे देती हूँ, या फिर कोई और टॉयज़ वगैरह होते हैं तो उसमें मैं उसे उलझा देती हूँ, उससे बातें भी करती रहती हूँ बीच बीच में, वो बीच बीच में मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी 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 ऐसा करते रहती है, तो मैं उसे भी रिप्लाई करती रहती हूँ कि हाँ बेटा बोलो, क्या काम है, नहीं है, तो इस तरह से उसे बातों में उलझाना पड़ता है मुझे, और इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो अभी जो है CDPO के लिए मैं बिहार के लिए स्पेशल GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में तैयार कर रही थी, तो उस टाइम की मैंने सोचा कि ये चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसी होंगी जो कि घर गृहस्थी में उलझ कर वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं, और कमेंट भी आते हैं ऐसा, तो हो सकता है ये वीडियो देखकर उन्हें भी कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ वो भी ऐसा कर सकती हैं, वो भी पढ़ सकती हैं। बहुत सारी गृहिणियाँ होंगी, उनके भी बेबी होंगे, तो जैसे मैं संभालती हूँ आप भी ऐसा संभाल सकते हो। दिक्कतें तो होती है, ऐसा नहीं है कि ये ईजी है, ये भी कह सकते हैं कि बहुत टफ वर्क होता है बेबी को संभाल के, घर को संभाल के, और फिर पढ़ाई करना। तो मैं तो एजुकेशनल चैनल के लिए
करती हूँ, लेकिन मुझे भी पढ़ना ही पड़ता है उसके लिए। सारी चीज़ें अच्छे से चेक करनी पड़ती है, अरेंज करनी पड़ती है, और भी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कभी कभी लगता है कि सेल्फ स्टडी करना ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन किसी के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत मेहनत का काम होता है, काफ़ी सारे टाइम लग जाते हैं, तब जाके 40 क्वेश्चन का सेट, चाहे 50 क्वेश्चन का या फिर 25 क्वेश्चन का सेट तैयार हो पाता है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है मुझे, तो इस तरह से मुझे तैयार करना पड़ता है। और अनिका भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक मैं सीख गई है, अगर किसी दिन वो साथ दी वीडियो बनाने में तो मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि उसने क्या क्या सीखा है। बहुत सारी चीज़ें वो बता देती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं हर रोज़ उसके लिए टाइम देती हूँ कि हाँ वो हर चीज़ को सीखे। एक ही चीज़ को जब आप बार बार अपने बच्चे को बताएंगे तो वो धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, वो फिगर को पहचानने लगते हैं। तो इससे ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक तो आपके बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे बच्चे, तो उनका बुक से लगाव मतलब कि बना रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे कि मोबाइल की बहुत गंदी वाली आदत लग जाती है ना बच्चों को, तो वो आदतें नहीं लग पाएंगी। आप उसे खिलौने में उलझा के रखिए, बुक्स में उलझा के रखिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके स्पेंड कीजिए। और ऐसा नहीं कि जैसे चैनल है तो मैं बेबी को छोड़ देती हूँ और अपना वर्कर नहीं, इस कारण बहुत बार होता है क्या कि वीडियोस मैं दे नहीं पाती हूँ और लगातार स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि वीडियो रेगुलर नहीं देते मैम, अब मैं क्या करूँ, मैं मतलब सभी को बार बार रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हाँ मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं मुझे टाइम नहीं मिलता ये वो, तो कोई बात नहीं, फिर मुझे जब समय मिलता है तो मैं तैयार कर देती हूँ। ये देखिए कि मुझे क्वेश्चन तैयार करने में देखिए मतलब बार बार निकाल के बैठ जाती है कि उनके साथ खेलूं, बातें करूं, तो इसी सब वजह से कभी कभी तो मुझे बुक जैसे ओपन करके रखा कि हाँ मुझे क्वेश्चन तैयार करने हैं, और फिर आकर बैठ जाती है गोद में और इस तरह से कॉपी पेन वगैरह लेके वो खुद खेलने लगती है। हाँ, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि पेन थोड़ी नुकीली चीज़ होती है, तो मैं जब उसके पास रहती हूँ तभी मैं पेन उसे देती हूँ हाथों में, वरना मैं नहीं देती। तो इस तरह में कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा तंग करने लग जाती है कि मुझे फिर से वापस बुक वगैरह समेट के रखना पड़ जाता है। और ये जो है, ये मेरा बेडरूम है, स्टूडियो रूम है, लेकिन उसमें ना मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया है, मतलब उसमें लैपटॉप वगैरह मैंने नहीं रखती हूँ अभी, पहले उसी में रहता था, लेकिन जब से अनिका थोड़ी समझदार हो गई है, चलने वगैरह लगी है, तो मैं यहीं रखती हूँ। तब क्योंकि जब अनिका सोई हुई रहती है ना तो मैं उसे भी देख लेती हूँ और यहाँ बगल में बैठ के मैं वर्क भी कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल बेडरूम में ही रखा हुआ है अपने लैपटॉप को, और सारे वर्क मैं यहीं से करती हूँ ताकि मैं इसे भी देख सकूँ। और इसे ऐसे ही क्या होता है ना कि थोड़ा सा रूम का फासला है, तो अगर मैं दूसरे रूम में वर्क कर रही हूँ, तो अनिका की एक बड़ी गंदी वाली आदत बचपन से है, ये जब जगती है ना सो के तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती कि हाँ जैसे रोना हो गया ये वो, ताकि कोई आ सके, ये चुपचाप उठकर एकदम बिल्कुल बेड के किनारे आ जाती है। एक दो बार ये गिर भी गई है इस चक्कर में, इसीलिए मैंने ना वहाँ से हटाकर मैंने यहाँ ही शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि मेरी बीबी भी मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एट फर्स्ट मुझे उसे देखना है, उसके बाद फिर मैं कोई और वर्क देखती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे अपने रूम में ही रखा हुआ है। और जैसे आप पढ़ाई करती हैं ना, तो जैसे वर्क करते हुए टाइम नहीं मिल पाता, तो आप भी ये कर सकते हैं कि अपने बुक्स को बेडरूम में रखें, दो चार बुक को जो ज़्यादातर आप पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब आप बेबी के साथ बैठे हुए हैं तो मोबाइल ना चलाकर आप बुक्स को हाथों में लेकर एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं, तो वैसे में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन वगैरह भी याद हो जाएगा। और देखिए अनिका भी बहुत मस्ती करती है मेरे साथ, और ये मुझे चिढ़ाती भी रहती है बीच बीच में, और अनिका भी मतलब धीरे धीरे काफ़ी समझदारी होती जा रही है और एक्टिव भी है, जैसे अब इतनी समझ हो गई है इसे कि अगर मैं कुछ मांगूँ ना इससे कि बेटा मुझे ये चाहिए, जाओ मेरा मोबाइल लेके आओ, जाओ बुक्स लेके आओ, तो ये सारी चीज़ें ना अब ये समझने लगी है और ये लाकर दे देती है मुझे, या फिर जैसे कभी मुझे इसे हटाना होता है ना तो बोल देती हूँ कि जाओ बेटा देखो दादी क्या कर रही है, चाहे दादाजी क्या कर रहे हैं, तो जाओ, तो ये थोड़ी देर के लिए चली जाती है।
और अब ये देखिए क्वेश्चन वगैरह सब रेडी हो गया था, तो अब ये वीडियो बनाने का टाइम था। तो जब वीडियो बनाना होता है ना तो डोर वगैरह खिड़की वगैरह सारा क्लोज हो जाता है, फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है ताकि आवाज़ एक्स्ट्रा ना आ पाए। और उस समय अनिका को मैं दे देती हूँ उसकी दादी के पास, चाहे दादा या फिर एक भगना रहता है मेरा यहाँ पे, तो उसे भी मैं दे देती हूँ कि आप इसे रखो थोड़ी देर के लिए। तो वो 10-15 मिनट उसे होल्ड करके रखते हैं, उधर बाहर साइड रखते हैं, तब मैं जाकर वीडियो बनाती हूँ। और कभी कभी अगर उसे पास में रखती हूँ तो साइड में उसकी आवाज़ भी आ जाती है, आप लोग बहुत सारे वीडियो में सुने भी होंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें।